हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ मनोज वर्मा एंड इस वीडियो के अंदर मैं एक छोटा सा अपडेट लेके आया हूँ अबाउट एक्सटेंशन। तो ये अपडेट क्या है मैं आपको बता दूँ। जैसे कि आप जानते होंगे कि हम पहले एक्सटेंशन से ट्रेडिंग करते थे, वो मेथड हमने बंद कर दिया, वो एक्सटेंशन मैंने डिलीट भी कर दिया। अब आप डाउनलोड करोगे तो यू यूज़ में भी डाउनलोड भी नहीं होगा। बट मैंने अपने एक्सटेंशन को अपडेट करा था एंड मैंने उसे अपलोड करा था, तो अभी अपलोड नहीं हो रहा एंड 24 मार्च से पहले अपलोड भी नहीं होगा। गूगल ने कुछ चेंजिंग वगैरह करी है इस चक्कर में, तो आपको वो मैनुअली डाउनलोड करना पड़ेगा एंड आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। तो अगर आप एक्सटेंशन डाउनलोड करते हो या नहीं करते, बात एक ही है। अगर आप डाउनलोड करोगे तो वो काम क्या करता है मैं आपको बता दूं। जैसे आप बीटा सेंटेक्स का पेज देख रहे हो, ये पेज आपके किस काम आता है, ये आपके पेज सेंटेक्स जनरेट करने के काम आता है। तो एक्सटेंशन के अंदर भी यही पेज बना दिया है, बस उसके अंदर पेपर ट्रेडिंग का भी बना दिया है, जो मैं अभी आपको डेमो भी दिखाऊंगा करके। तो आप पेपर ट्रेडिंग के कोड भी वहां से इजीली कॉपी कर सकते हो एंड प्लस वो वेबसाइट से 10 गुना फास्ट है, क्योंकि एक्सटेंशन है वो, तो इसलिए वो 10 गुना फास्ट है। उसमें कोई बग्स नहीं है, आप फटाफट किसी भी कोड को जनरेट कर सकते हो। तो आई थिंक मेरे लिए, मेरे को मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप उस पर कोड जनरेट करते हो तो काफ़ी आप फास्ट कर पाओगे, पर उस पर कोड वही जनरेट कर पाएंगे जो गूगल क्रोम ब्राउजर यूज़ करते होंगे या पीसी या लैपटॉप यूज़ करते होंगे। अगर आप मोबाइल से ट्रेडिंग करते हो तो आपको फिर यही वेबसाइट पर जाके कोड जनरेट करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ आपको करना क्या है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, उस लिंक को आपको ओपन करना है। मैं आपके सामने ओपन करके दिखा देता हूं। ये मैंने ओपन करा एंड जैसे अब मैं इसे ओपन करूंगा तो एक पेज खुलेगा, ये गूगल ड्राइव का पेज है। इसके अंदर हमने जो एक्सटेंशन है उसका सॉफ्टवेयर डाल रखा है, मतलब एक्सटेंशन की फाइल डाल रखी है, जिप फाइल, ये रही फाइल। तो आपको क्या करना है, आपको ये फाइल डाउनलोड करनी है। डाउनलोड के लिए आपको ये रहा बटन, आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी। अभी जैसे ही डाउनलोड होती है मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे मैं 5-6 बार डाउनलोड कर चुका हूँ, तो आपको अभी दिखा देता हूँ। जैसे ये डाउनलोड होती है, ये यहाँ पर डाउनलोड हो रही है, ये आप देख सकते हो। अब मैं ये डाउनलोड होगी तो अब मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसे है ना फोल्डर में जाता हूँ एंड कट करके लेके आता हूँ। सबसे पहले मैं इसे, ये मैंने कट करा एंड कट करने के बाद मैं इसे एक फोल्डर में डाल देता हूँ अपने डेस्कटॉप पे, जिससे कि मैं आपको दिखा सकूँ मेरे को करना क्या है। तो मैंने इस फोल्डर में डाल दी फाइल। अब आपको करना क्या है, जब ये फाइल जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी तो हमारे को, हमें जिप फाइल नहीं चाहिए, हमें फोल्डर चाहिए अगर हम एक्सटेंशन को गूगल क्रोम ब्राउजर में अपलोड करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट कर देंगे। आप अपने हिसाब से एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा कि आपके फोल्डर में कैसे एक्सट्रैक्ट होता है। मेरे में ये इस तरीके से होता है, तो मैं एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ एंड एक्सट्रैक्ट होने के बाद ये फोल्डर यहाँ पर बन गया। ठीक है जी, ये फोल्डर बन गया, ये जिप फाइल है। अब हम इसे बंद करते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें दोबारा से अपना ब्राउजर खोलना है। मैं आपके सामने खोल देता हूँ, ये आप देख सकते हो ब्राउजर, यहाँ पर ये 3 डॉट है, इस 3 डॉट पे क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ नीचे जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है मोर टूल्स, आप जैसे इस पे कर्सर ले जाओगे, क्लिक नहीं करना, कर्सर ले जाओगे, वैसे लेफ्ट साइड में काफ़ी सारे ऑप्शन खुलेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन है एक्सटेंशन, आपको इस पे 1 टाइम क्लिक करना है। जैसे आप इस पे 1 टाइम क्लिक करोगे, आपके पास जो भी एक्सटेंशन डाउनलोड है उनकी लिस्ट आ जाएगी, अदरवाइज आपके पास डाउनलोड नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा, खाली ये आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डेवलपर मोड ऑन करना है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा, अदरवाइज आप ऑन नहीं करोगे तो अपलोड नहीं कर पाओगे फाइल। और हो सकता है आपको अपनी गूगल की आईडी भी लॉगिन करनी पड़े, जैसे मेरी फोटो ऊपर लगी हुई है तो ऐसे आपको भी लॉगिन करनी पड़े, वो आप चेक कर लीजिएगा। तो हमने डेवलपर मोड ऑन कर दिया, उसके बाद लोड स्क्रिप्ट पे जाना है। लोड स्क्रिप्ट पे जाने के बाद जो हमने एक्सट्रैक्ट करी है फाइल, उस फोल्डर में जाना है। तो फोल्डर का नाम हमने यूट्यूब रखा था, हम चलते हैं यूट्यूब फोल्डर, ये नहीं। तो जैसे ही आप फोल्डर पे जाओगे आपको ये फोल्डर दिखेगा, आपको इस पर 1 टाइम क्लिक करना है, मैं कर देता हूं। तो फिर से एक फोल्डर दिखेगा, फोल्डर के अंदर फोल्डर है। तो इस फोल्डर को जो हमने अभी 1 टाइम क्लिक करा है, इसे है ना सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट करना है फोल्डर को। हमने सेलेक्ट करा, नहीं हुआ, एक बार दोबारा से ट्राई कर लेते हैं क्यों नहीं हुआ। तो हमने फिर से सेलेक्ट करा एंड मैं एक बार देख लूँ, हाँ ये रहा फोल्डर, बैक जाना पड़ेगा। ये फोल्डर हमने सेलेक्ट करा, उस टाइम फोल्डर सेलेक्ट नहीं हुआ था, अभी आप देख सकते हो फोल्डर सेलेक्ट हो गया यहाँ पर, एंड क्लिक करा तो ये हमारा एक्सटेंशन आ गया। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर एक्सटेंशन आ गया। अब एक्सटेंशन क्या काम कर रहा है मैं आपको दिखा दूँ, तो मैं इस पेज को बंद कर देता हूँ। ये एक्सटेंशन हमारा अपलोड हो गया है, ये रहा एक्सटेंशन एंड ये रहा हमारा वेबसाइट का एक्सटेंशन जो बीटा सेंटेक्स पेज पे नाम से बना रखा था, और ये रहा हमारा एक्सटेंशन। तो इस एक्सटेंशन के अंदर इतना फर्क है, ये आपको पेपर ट्रेडिंग के कोड भी दे रहा है ये देखिए, और ये वेबसाइट से 10 गुना फास्ट है। मतलब आप जो भी चीज़ें कर रहे हो इतनी फास्ट होगी, 10x फास्ट है कि जो आप वेबसाइट पे टाइम लगता है वो चीज़ें आप इजीली कर सकते हो। तो हाथों हाथ मैं आपको यहाँ पेपर ट्रेडिंग भी करके दिखा देता हूँ। जैसे सपोज मानिए मैं कोई बाय करना चाहता हूँ, मैंने इससे कॉपी बटन पे क्लिक करा है, कॉपी हो गया। पेपर ट्रेडिंग के बटन मैंने कॉपी बना रखे,
बाकी तो सारे वैसे ही जैसे पहले सेंटेक्स में थे वैसे ही हैं, बाकी पेपर ट्रेडिंग का कोड कॉपी बटन बना के। तो जैसे मेरे को अभी कुछ बाय करना है तो मैंने कॉपी करा, इधर गया अपने SBI अकाउंट पे। तो आपको मैं बता दूं, पेपर ट्रेडिंग के ऊपर मैं पहले से वीडियो डाल चुका हूं, तो उसके ऊपर डिटेल में वीडियो तो नहीं डाल रहा, पर मैं आपको जब भी है ना थोड़ा सा एक व्यू दिखा देता हूँ। पेपर जो ट्रेडिंग का URL होता है वो ये होता है, जो वेबुक URL है वो ये है। हमें जब हम कोई भी कंडीशन लगाते हैं उसके अंदर ये लगाना होता है, देन पेपर ट्रेडिंग का कोड डालते हैं जब जाके वर्क करता है। तो पेपर ट्रेडिंग के उस पर चलता हूँ मैं, ट्रेडिंग बॉक्स पे, यह हमारा पेपर ट्रेडिंग का पेज है। एंड हम अब क्या करते हैं, यहाँ आप देख सकते हो कोई भी ट्रेड नहीं है। तो मैंने पहले से URL डाल रखा है जो मैंने अभी आपको दिखाया था पेपर ट्रेडिंग का, वो वेबुक URL मैंने यहाँ पर डाल रखा है, इसे ऑन करके इसके अंदर डाल रखा है। अब पेपर ट्रेडिंग का कोड डाल देता हूँ जो मैं कॉपी करके लाया था। ये आपने देखा कितनी प्यार से कॉपी हुआ, कॉपी बटन पे क्लिक करके। और आप ऊपर देखोगे तो ये एक्सटेंशन का लिंक है, नॉट ये वेबसाइट। आपको दिखने में वेबसाइट टाइप लग रही होगी पर ये हमारा एक्सटेंशन है। हाँ, अगर आप किसी लिंक पे क्लिक करते हो तो आपको वेबसाइट पे पहुंचा देगा ये। अब वैसे ये जो काम कर रहा है एक्सटेंशन का काम कर रहा है। तो हम चलते हैं यहाँ पर, हमने कोड डाल दिया, बाय पे क्लिक करते हैं। SBI बाय करके दिखाता हूँ मैं आपको टिगर करा के। तो हमारी कंडीशन बन गई, अब देखते हैं जैसे टिगर होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी, एक दिन के चार्ट में कर रखा है मैंने, जब भी टिगर हो गया। चलो तो ये आप देखिए, यहाँ पर वो आ गया, हमारी कमांड आ गई। हम वेबसाइट के पेज पे चलते हैं, ये रहा पेपर ट्रेडिंग का। मास्टर रिफ्रेश करते हैं, तो जैसे मास्टर रिफ्रेश करते हैं देखते हैं ऑर्डर क्यों नहीं आया। ऑर्डर तो आया नहीं, अब ये मेरे को नहीं पता क्यों नहीं आया। एक बार हम चेक कर लेते हैं फिर से कि हमने क्या गलती कर दी जिसकी वजह से ऑर्डर नहीं आया। तो हम एडिट पे गए, एडिट पे जाने के बाद अच्छा गलती हमने ये कर दी कि जो URL लगा रखा है वो रियल ट्रेडिंग का लगा रखा है, और कर रहे कोड जो डाल रहे हो पेपर ट्रेडिंग का डाल रहे। तो हम इसे डिलीट करते हैं, इधर जाते हैं एंड पेपर डैशबोर्ड पे जाते हैं। पहले तो हम कोड लेके आते हैं अपना, जो हमारा URL है वो हम लेके आते हैं पेपर ट्रेडिंग का। तो पेपर ट्रेडिंग का URL कौन सा, ये वाला, ठीक है जी। चलो आपको हाथों हाथ एक चीज भी और पता चल गई। एंड अब जाते हैं, अब हम यहाँ इसे पेस्ट कर देते हैं, हमने पेस्ट कर दिया, अब ये कोड काम करेगा। तो अब हम दोबारा से ट्रिगर कराते हैं एंड मैं एक मिनट का चार्ट खोल लेता हूँ पहले, और भी अच्छा रहेगा। तो ये लाइन कहाँ गई मेरी, ये रही। तो अब मैं इसको ट्रिगर करा रहा हूँ, जो भी अलर्ट ट्रिगर होगा आपको पता है यहाँ पर आएगा, आप कोई भी इंडिकेटर वगैरह लगा सकते हो। अभी एक चीज़ और बता दूंगा आपको। तो हम पेपर ट्रेडिंग के पेज पे गए और यहाँ पर रिफ्रेश मारा हमने, तो ये देखिए NSE में SBI ने 100 क्वांटिटी बाय करें इस प्राइस पे, ठीक है जी। तो कितनी प्यार से हमारा कोड बाय काम कर रहा है। अभी हम सेल का कोड डालते हैं, कॉपी, ये कॉपी बटन पे क्लिक करा ऑटोमेटिक कॉपी हो गया, आपको कहीं से भी कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं दोबारा गया और मैं एक लाइन और डाल के उसके अंदर ये चीज डाल के दिखा देता हूँ आपको। सॉरी, ये क्या हो गया, एक मिनट, एड अलर्ट, एंड ये मैंने कोड डाला, कंट्रोल भी करूंगा वो कोड पेस्ट हो जाएगा, सेल का कोड है। एंड दोबारा से मैंने इसे टिगर कराया, आपके सामने टिगर करा रहा हूँ। जब टिगर होगा इधर एक नोटिफिकेशन आएगी, आ गई। एंड हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पे, यहाँ मास्टर रिफ्रेश करना पड़ता है, बैकएंड में ऑर्डर पहले से होते हैं। ये देखिए सेल भी हो गया, ठीक है जी, जिसके अंदर मुझे 35 पॉइंट का लॉस हुआ है, अगर परसेंटेज में देखिए तो इतना लॉस हुआ है। तो कहने का मतलब ये बहुत ही अच्छा एक्सटेंशन है, इसे मैंने जैसे आपको बताया वैसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो तो मैंने लंबी बना दी है। अच्छा, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम ये आ रही है, जो पेपर ट्रेडिंग करते हैं ना वो कहते हैं कि हमारे ऑर्डर नहीं लग रहे इंडिकेटर वगैरह पे। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप ऑर्डर लगाओगे, जो भी आप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो, अगर कोई कस्टम स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो तो वर्जन 4 में होनी चाहिए जब आपके ऑर्डर लगेंगे। अगर वर्जन 2 में, वर्जन 1 में या वर्जन 3 में, तो आप उसे वर्जन 4 में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर आपसे नहीं हो रही तो आप मेरे को टेलीग्राम पे स्क्रिप्ट भेज दीजिएगा, मैं कन्वर्ट करके आपको दे दूंगा, देन उसे अप्लाई करोगे तो आपके ऑर्डर जाएंगे। क्योंकि जो पेपर ट्रेडिंग है वर्जन 4 को ही एक्सेप्ट करती है, अगर आप किसी कस्टम इंडिकेटर को यूज करते हो। एंड जो इनबिल्ट इंडिकेटर है वो तो बाय डिफॉल्ट कस्टम 4 के वर्जन के अंदर है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।